सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रेलवे आरपीएफ रीजनिंग प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कवर करेंगे सेट नंबर थर्ड 20 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट में आरपीएफ कॉन्स्टेबल के पेपर में पूछे गए क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट और ट्रिक के साथ। बच्चों क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको पूरा चैप्टर ट्रिकी अप्रोच के साथ कवर कराऊंगा। इस क्लास में आप पूरा पेपर तो सोल्व करोगे ही करोगे रीजनिंग का, साथ के साथ लगभग 8 से 10 चैप्टरों का सुपर फास्ट रिविजन करोगे ट्रिकी अप्रोच के साथ। इस क्लास से आपको एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन को देखते कैसे सोल्व करना है ये सीखने वाले हो। यदि आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस बेहतरीन है तो आपको नए नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों, दो प्रॉब्लम होती है। नंबर एक, रीजनिंग सोल्व क्वेश्चन तो रीजनिंग के सोल्व करने आते हैं, जब अटैम्प्ट भी पूरे कर कर आते हैं, जब आंसर की चेक करते हैं घर आकर 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक रीजनिंग के गलत हो जाते हैं। नंबर दो, सर सोल्यूशन तो आता है, क्वेश्चन निकालने भी आते हैं, लेकिन सर समय ज्यादा लग जाता है। आज की क्लास में मैं आपको दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूँ, क्योंकि रीजनिंग के आंसर ना बच्चों चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि मैं राइट हूँ, मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ। सिर्फ आपको ये देखना आना चाहिए, ऑप्शन काटना भी मैं सिखाने वाला हूँ। क्लास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के साथ पूरा चैप्टर कवर करते हुए चलेंगे। दी गई आकृति अनुसार पासे में 6 अक्षर ए बी सी डी ई है सी अक्षर के विपरीत। बच्चों इसका पहला कॉन्सेप्ट यह है, यदि समान अंक समान सतह पर हो, समान सतह पर है तो जो जिसके सामने हो उसका विपरीत। सर समझ नहीं आया, समझाता हूं देखो, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप 5 सेकंड में कैसे सोल्व करोगे। सपोज करो ये आपका 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये आपका 1 है, ये 5 है, ये 6 है। एक समान है, बिल्कुल समान है, और समान सतह पर है, टॉप वाली पर, बिल्कुल टॉप वाली पर है। तो उसका मतलब जब समान अंक समान सतह पर है जो जिसके सामने वो उसका विपरीत होता है। पासे का पहला नियम तो ये कहता है 5 के सामने 2 हो जाएगा विपरीत, 2 का 5, 3 का 6 और 6 का 3, 1 का वो हो जाएगा जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा है। पहला तो कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, 5 सेकंड में आंसर दोगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं सी का विपरीत बताना है। बच्चों कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन सर सी है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें भी सी है सर। जो कॉमन होता है ना बच्चों, कॉमन के अकॉर्डिंग जो आपका कॉमन है उसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। कॉमन पहले वाले में सी है, सी लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, दूसरे वाले में सी कॉमन के नीचे कॉमन लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे। अब देखो किसके विपरीत पूछा, सी, सी के विपरीत वो होगा जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बी के विपरीत एफ होगा, बी के विपरीत एफ होगा और एफ के विपरीत बी, ए के विपरीत ई होगा और ई के विपरीत ए, तो सी के विपरीत हो जाएगा जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, ए भी दिखाई दे रहा है, बी भी दिखाई दे रहा है, सी भी दिखाई दे रहा है, डी नहीं दिखाई दे रहा, तो ई के विपरीत के सॉरी सी के विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा जो पासे में आपका दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर है जी, क्लियर है जी, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है बच्चों। ऐसे ही आप सोल्व कर सकते हो पासे का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, बल्ड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से समझिएगा। जो ई है ना, सी की एकमात्र बेटी, सी बना देते हैं यहां पर, सी की एकमात्र बेटी कौन है, ई, जो आपकी फीमेल होगी उसे हम गोलेम बनाएंगे। क्लियर है जी, एक फिर उसने क्या कहा, जिसका पति बी है, किसका, सी के, सी की बात हो रही है, बी इसका पति है, जब ये बी पति है तो यह माता हो जाएगी किसकी, ई की, जो डी का ससुर है, जो ससुर है किसका, डी का, डी कौन है हमें नहीं पता, ये पत्नी ससुर तो तभी होगा ना जब लड़के की बहू होगी। चलो बी की बहन ई से कैसे, बी की कोई बहन है ई से, ई की है तो मम्मी, बी पापा, पापा की बहन क्या लगे, बुआ, आंटी, आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जी, देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, बस आपको पैटर्न समझने, कितने वर्ग है, वर्ग कितने हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वर्ग है जी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न की सही जल छवि चुनिए। बच्चों दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपका जल प्रतिबिंब आता है, एक आपका दर्पण प्रतिबिंब आता है। पहले जल का मैं बता देता हूँ, मान लिया जल प्रतिबिंब में कोई भी अक्षर कैसे दिखाई देगा, मान लिया ए है, ए जल में ऐसा दिखाई देगा, एम है, एम ऐसा दिखाई देगा, सी है, ये ऐसा ही दिखाई देगा, 1 ऐसे दिखाई देगा, 0 ऐसे दिखाई देगा, मतलब जस्ट पलट जाता है जल में। वहीं दर्पण की बात करें, दर्पण में क्या होता है, दर्पण ऐसे होता है आपका,
मान लिया दर्पण में ए है तो ये पलट जाएगा, सेम ही रहेगा ए। मान लिया ओ है, ये भी सेम रहेगा। सपोज करो ई है, ई दर्पण में कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये भी जस्ट पलट जाता है, ये राइट साइड पलटता है, वो टॉप टू बॉटम पलटता है। क्लियर है जी, इतना आपको ध्यान रखना है। देखिएगा क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। जल छवि, ये आपका पी ए आई एन टी, जब हम इसको ऐसे पलटेंगे टी कैसे बन जाएगा, ऐसे टी कैसे बन जाएगा आपका, टी बिल्कुल ऐसा होगा आपका, बिल्कुल होगा। ठीक है जी, बस डायरेक्ट आप आंसर देखो ना, आंखों आंखों में ऑप्शन काटो, इतना समय नहीं है बच्चों। देखो हमें पता है पी पलटेगा आपका, हमें पता है बच्चों पी आपका पलट जाएगा। देखिएगा आंसर कैसे निकालते हैं, पी ये तो बन नहीं सकता, पी आपका ये भी नहीं बन सकता, ऑप्शन सेकंड गलत हो गया, ऑप्शन फोर गलत हो गया, ए सीधा है ये भी नहीं हो सकता। बच्चा क्या पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, राइट आंसर डायरेक्ट यही आएगा। देखो पी मेरा ऐसा हो जाएगा, ए कुछ ऐसा हो जाएगा, आई ऐसा हो जाएगा, एन ऐसा हो जाएगा। बस देखो चिल्ला चिल्ला कर ये तो दोनों हट गए थे लाइन में से, ये ए सीधा था ये भी हट गया था, राइट आंसर ही। तो बच्चा ऑप्शन ए आपका राइट। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिएगा, अब जब आपका दर्पण प्रतिबिंब की बात आती है, दर्पण प्रतिबिंब में बच्चों किधर से स्टार्ट होते हैं, बैक से स्टार्ट होते हैं, ई से स्टार्ट होगा ऐसे ही, ये आपका गलत हो गया, लास्ट में ओ होगा, ओ फिर ई के बाद यू होगा आपका, यू भी ऐसे ही हो जाएगा, क्यों का ऐसा होगा सिंबल। ठीक है जी, ए कैसे होगा बच्चों, ए बिल्कुल आपका ऐसे ही रहेगा, ए ऐसे ही रहेगा, ये भी कट जाएगा ए के स्थान पर। पी कैसे हो जाएगा, पी आपका ऐसे हो जाएगा, पी ऐसे हो जाएगा, ओ आपका ऐसे हो जाएगा। इसमें पी कैसा है, इन दोनों में अंतर क्या है, यू क्यों, यू क्यों गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा आपका इस वाले क्वेश्चन का। इतना आप समझ चुके हैं कि देखते देखते क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, इतना आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करते हुए चलूंगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा सोल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में कहा क्या गया है हमारा, दी गई श्रृंखला के लिए दी गई विकल्प में अगली आकृति बताओ। बच्चों उसमें कोई एक लॉजिक लगा होता है, क्या लगा होता है, एक लॉजिक लगा होता है, वो आपको लॉजिक पकड़ना है कि इसमें क्वेश्चन में आपका लॉजिक क्या लगाया गया है। अभी देखते हैं, वाई आपका यहाँ पर था, फिर जस्ट 45 डिग्री घूमा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, वाई यहाँ पर आएगा। अब कहाँ पर आएगा वाई, यहाँ पर आएगा वाई, कहाँ पर वाई, दोबारा देखते हैं। 45-45 डिग्री के एंगल से ना इसे शिफ्ट करते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों। 45-45 डिग्री के एंगल से क्या करते हुए चलेंगे, 45-45 डिग्री के एंगल से आप शिफ्ट करते हुए चलेंगे, और जहाँ पर भी आपका सटीक बैठेगा वही आपका राइट आंसर होगा। सर 45-45 कैसा कह रहे हो आप, ये तो बता दीजिएगा 45-45 कैसे मूव करना है। देखिएगा पहला आपका ये मिडिल में था, फिर कॉर्नर में आया, फिर दूसरी लाइन के मिडिल में, फिर कॉर्नर में, फिर मिडिल में, अब कॉर्नर में यहाँ पर आएगा। ये पहले हम गलत बोल गए थे, ये इस वाला नहीं है, चिल्ला कर मना कर रहा है, ये भी मना कर रहा है, ये भी मना कर रहा है, बच रहा क्या, यही तो बच रहा, यही तो राइट आंसर होगा। आपको यही तो सीखना है प्यारे बच्चों, बस यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। फिर देखो एक भी क्वेश्चन आ जाओ आंसर की चेक करने के बाद, आपका एक भी गलत हो जाएगा। हमने क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन, उस छवि का उस सही विकल्प को चुनिए जो दी गई छवि के पैटर्न को पूरा करता हो। देखो ऐसे क्वेश्चनों का पैटर्न करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, अब इसमें देखो इधर डार्क है तो ये ब्लैंक था, ये आपका ब्लैंक होगा, ये कॉर्नर आपका ब्लैंक होगा, ये आपका ब्लैंक होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। जब ये ब्लैंक है तो ये किधर, ये डार्क होगा, मतलब कहने का मेरा ये है, ये वाला तो आपका ब्लैंक होगा, ये वाला आपका डार्क होगा, वो खड़े वाला ब्लैंक, लेटा हुआ डार्क, ये तो ऑप्शन ए तो है ही नहीं। ठीक है जी, बच्चे तीनों बिल्कुल ठीक लग रहे हैं मुझे, लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये कॉर्नर भी तो कट, कॉर्नर आपका ये ऐसे होएगा, ये होगा, इसमें बीच में लाइन है, ये भी नहीं होने का। ठीक है जी, बच्चा आपका चौथे में डार्क दे दिया, ये भी नहीं होने का। बच्चा क्या सर थर्ड बच रहा है, चिल्ला कर नहीं बोल रहा है क्या, बताओ अलग नहीं है क्या आंसर, बिल्कुल अलग है, ऐसे ही तो देखना है बस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर आठ, दी गई समकोण त्रिभुज बनाए, क्या कह रहे हैं, दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, समकोण त्रिभुज बताने हैं बच्चों कितने बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, समकोण त्रिभुज बताते हैं कितने बनाए जा सकते हैं। देखो एक दो, दो है बच्चों, तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 9, शिव की तरफ इशारा करते हुए गणेश ने कहा, बच्चों ऐसे मान लिया कि आप एक फोटो का इमेज कर लेना, अपने ऊपर लेकर चलना, शिव है ये कोई लड़का, शिव की तरफ इशारा करते हुए गणेश ही है लड़का को, यहाँ पर ऐसे इमेज बना देना कोई फोटो टाइप। गणेश ने कहा, वह मेरी एकमात्र बेटी के, गणेश की कोई बेटी के, एकमात्र बेटे के पिता की पत्नी, मतलब गणेश की एकमात्र बेटी मतलब गणेश की बेटी के पिता मतलब गणेश ही की पत्नी मतलब गणेश की पत्नी पत्नी का एकमात्र बेटा मतलब गणेश का बेटा, शिव किस तरह गणेश से संबंधित है, शिव किस तरह गणेश से संबंधित है भाई, बेटा होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखो बताओ कुछ है क्या इनमें, कुछ भी तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, बस अपने पर लेकर चलना है। बताओ अब तक 9 के 9 क्वेश्चन आपको कैसे लगे सोल्यूशन इनका। क्वेश्चन नंबर 10, 191 से 95 जाने के लिए प्लस 4 हुए, फिर आपका 195 से 216 पर जाने के लिए प्लस 16, फिर 211 पर जाने के लिए 16 नहीं 211 पर से 275 तक जाने के लिए प्लस 64, 275 से 553 तक जाने के लिए बच्चों फिर प्लस कितने हुए आपके 256 स्क्वायर लग रहा है मुझे, बिल्कुल 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौके 256, 256 चौके कितने होते हैं 1024, 1024 531 में जोड़ देना 1555 आपका राइट आंसर आएगा, गुना 4 गुना 4 वाला लग रहा है रोजी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, और कौन सा इन समूह से अलग है, देखिएगा क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहे हैं। सी 3 पर आता है जी, ई 5 पर, जी 7 पर, आई 9 पर, के 11 पर, 3 5 7 9 11 में चार संख्या है, 3 5 7 3 5 7 11 ये सभी क्या है बच्चों अभाज्य संख्या है, जबकि 9 वाली आपकी अभाज्य संख्या नहीं, इसलिए आई आपका लग हो जाएगा, कुछ भी लॉजिक लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उस विकल्प को रखें जो प्रथम जोड़े पर लागू तर्क के अनुसार अनुसरण करता है, जी के टी, जी में जी 7 पर होता है, के 11 पर प्लस 4, टी 20 पर होता है, 20 में 4 जोड़ देते हैं, एक्स एक्स पर 24 पर क्या होता है एक्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं, पेन चेंज करके मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा कितनी सीधी रेखाएं, दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं बतानी है आपको, कोई बात नहीं कितनी सीधी रेखाएं होंगी इसको हम एक बार काउंट कर लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग इसका हम आंसर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा पेन चेंज कर करके दिखाऊंगा, एक लाइन, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, दस लाइनें हैं जी, कितनी है 10, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें, 162 वाला क्वेश्चन है आपका ये, 162 से 149 कैसे हुआ बच्चों, कितने कम है -13, 149 से 170 -13, फिर बच्चों 170 से 157 -13, फिर 178 में से -13 करके 165 बचेगा, डबल में -13 होते जा रहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में 5 में से 4 एक निश्चित है एक अलग बताना है, ई और बी में बच्चों 3 का डिफरेंस -3 है, जे और एल में -2 है, जेड और डब्ल्यू में -3 है, पी और एम में -3 है, एन और के में -3 है, तो जे और एल में असंगत है, जे और एल आपका अलग है क्योंकि -2 का डिफरेंस है जबकि सभी में 3 का है। क्वेश्चन नंबर 16, 88003 5437 5437, 8 8 16 3 19 इनको भी जोड़कर 19 है, 5 4 9 9 9 और 10 इनको भी जोड़कर 19 है, अब इनको जोड़कर देखते हैं, 7 7 14 14 3 17 18 ये भी 19 आ रहा है आपका, सॉरी 3 2 1 3 3 6 और 14 6 20, ये 20 आ रहा है, अब इनमें जोड़कर देख लो 20 जोन से माएगा वही आपका राइट आंसर, 6 4 10 6 4 10, मैं दूसरा चेक ही नहीं करता, 20 ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 क्या कह रहे हैं, 29 38 प्लस 9 19 37 प्लस 18
18 प्लस 27 प्लस 36 प्लस 45 हो जाएगा 120 में 44 जोड़ दो, 164। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 119 ने इसलिए बोला 45 जोड़ते थोड़ा दिक्कत होती है, 120 में 44 जोड़ेगा बात एक ही है, 119 45 164 ऑप्शन ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इस श्रृंखला से अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 52, बच्चों 52 से कितना हुआ है 105, 52 गुना 2 104 प्लस 1 105, 105 गुना 2 210 प्लस 2, 210 गुना 2 424 प्लस 3, 427 गुना 2 प्लस 4 करोगे जब कितना हो जाएगा बच्चों, यही हुआ आपका। अब क्या करना है मुझे 858 गुना 2 प्लस 5 करना है, ये हो जाएगा 1731। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, फ्लोवर बंची जो होता है सिक, मतलब ये क्या होगा फ्लोवर बंची, जिस प्रकार बच्चों फूलों या फ्लोवर्स के समूह को गुच्छा कहते हैं उसी प्रकार भेड़ें जो सिक होती है उनके समूह को क्या कहेंगे, उनको झुंड बोलते हैं, फ्लॉक, FLOCK। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने के चांस बनते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में आपको लेंदी लगते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जब स्क्रीन पर जगह कम होती है तो आपको इतना अच्छी तरीके से क्वेश्चन दिखाई नहीं देता है और समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। इन क्वेश्चनों को ट्रिकी अप्रोच के साथ भी मैं आपको सोल्व करना सिखाने वाला हूँ, देखिएगा सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं बच्चों, कहाँ क्या गया है थोड़ा शोर्ट में पढ़ना सीखना है आपको, ये कहा क्या गया है आपसे शोर्ट में पढ़ना सीखना है। इस क्वेश्चन को मैं सबसे लास्ट में करूँगा क्योंकि थोड़ा ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये भी हम बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं। स्किप भी करना सीखना है क्योंकि स्किप करना यदि आपसे आ गया तो आप आसान आसान क्वेश्चनों को पहले सोल्व कर लोगे, जो टफ क्वेश्चन होंगे उन्हें थोड़ा बाद में देख लेंगे। क्लियर है जी, देखिएगा विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बना सकता है, नीचे पांच आकृतियां दी गई है। बच्चों पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग का मतलब आपको ये देखना है इनमें से कौन सी आकृति से आप एक, देखते हैं बनाकर, 1 3 5 के अकॉर्डिंग चलते हैं। पांच पूरा बनना बच्चों, पांच की तीसरा और पहला, राइट आंसर 1 3 5 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अब देखते हैं आगे क्या है, थोड़ा आसान आसान से क्वेश्चन देखेंगे, चलो देखते हैं जो स्टार्टिंग में छोड़े पहले उन्हें ले लेते हैं, एक क्वेश्चन स्किप नहीं करते बस क्योंकि तो थोड़ा टफ वाले क्वेश्चन ले रहे हैं। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए। सात लड़के पी के ऊ आर एस टी यू और वी पूरा की ओर मुख करके बैठे हैं, पूरा मान लिया सपोज करो ऊपर की साइड पूरा हुआ, कितने लड़के सात, 1 2 3 4 5 6 7 पूरा की ओर मुख करके बैठे हैं, मुँह करके बैठे हैं, कॉलम में बैठे हैं, एस और यू जो है एवं वी और एस के बीच व्यक्ति की संख्या बराबर है। एस और मान लिया सपोज करो एस में यहाँ बैठा लेते हैं, एस और यू, एस और यू, यू हम फिर यहाँ बैठा लेंगे, एवं वी और एस कहीं पर कुछ भी बैठा लेना, वी और एस, वी आप यहाँ बैठा लो, एस, एस फिर आप यहाँ बैठाओगे, इनकी संख्या इनके बीच में दो होने चाहिए इनके, एस तो आपका यहाँ है, वी और एस, ठीक है जी, वी और एस के बीच में भी दो है खाली और एस यू के बीच में भी दो है, पहली कंडीशन मेरी बराबर होगी। अब देखते हैं वी आर के करीब नहीं खड़ा है, जो V है ना R के करीब नहीं खड़ा है, तो R को जो नहीं खड़ा है थोड़ा अलग बना लेते हैं, चलो जी। P जो एक छोर से पांचवें स्थान, इसे चेंज भी करना पड़ सकता है यदि आगे फुलफिल कंडीशन ना हुई मेरी, P जो एक छोर से पांचवें स्थान पर है, एक छोर से पांचवें स्थान पर P है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवें स्थान पर P बना दो एक छोर से, क्योंकि इधर तो आने का नहीं, 1 2 3 4 5 इधर भी आ सकता था, चलो एक साइड से बनाते चलेंगे कहीं गलत होगा फिर दोबारा डायग्राम बना लेंगे। पी जो एक छोर से पांचवें स्थान पर है, जो आर के तीन स्थान पीछे है, जो आर के तीन स्थान पीछे, 1 2 3 बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैंने पी इधर ही बनाया हूँ, ठीक है जी। क्यों और पी एक दूसरे के निकटवर्ती है, क्यों और पी, तो क्यों वहाँ पर आ जाएगा, पांच के पांच आ गए मेरे, वी आ गया, पी क्यों आ गया, पी आ गया, एस आ गया, टी बचा, टी यहाँ आ जाएगा। तो क्या पूछा बच्चों ने, एस का स्थान क्या है, एस का स्थान क्या है आपको बताना है, यू के पीछे पाँचवा, एस जो है यूरा, पेन चेंज करके दिखाता हूँ, ऐसे कहाँ मेरा यू के पीछे पांचवा पहला दूसरा तीसरा, ना जी ऑप्शन ए गलत है आपका, कॉलम के अंत में, ना जी बिल्कुल गलत है,
पी और वी के बीच में, पी और टी के बीच में कहता चल जाता, लेकिन पी और वी के बीच में तो क्यों है, ये भी गलत है। कॉलम के बीच में तीन इधर तीन इधर, कॉलम के बीच में राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एट द डेट से तात्पर्य, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एट द डेट से तात्पर्य आपका क्या है, ए बी की माता है, क्लियर है जी, एट द डेट बी से तात्पर्य है ए बी की माता है, क्लियर है, और हैच का मतलब क्या है, पिता है, डॉलर का मतलब भाई है, प्रतिशत का मतलब बहन है। चलो देखते हैं क्या क्या रहे, ऐसे 16 ऐसा करना है आपको, पेन चेंज करते हैं, एट द डेट बराबर माता, क्वेश्चन भी एग्जाम में भी ऐसा करना है, हैच का मतलब पिता, डॉलर का मतलब भाई, प्रतिशत का मतलब बहन, तो क्या बोल रहा है, डब्लू प्रतिशत क्यों, डब्लू जो है बहन है किसकी, क्यों की, फिर ने बोला एक्स हैच वाई, एक्स पिता है वाई का, क्लियर है, एक्स एट वाई, वाई एट द रेट जेड, एट द रेट का मतलब क्या, माता, वाई माता है किसकी, माँ है जेड की, ठीक है, इस संबंध से बच्चों डब्लू जो बच्चे, डब्लू ये माता ये बहन, डब्लू वाई की बुआ है और वाई जेड की माँ है, दिख रहा है हमें, तो जो बच्चों डब्लू जेड का रिश्ता नानी का होगा, नानी ग्रांड आंटी है क्या ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन नहीं लिए गए थे तो आप नानी इसका राइट आंसर लगाना था। क्वेश्चन नंबर 22, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों, ये कथन निष्कर्ष का है, तीन फंडे होते हैं इसमें, जब सभी की बात करते हैं अंदर बनते हैं बोले तो सभी, मान लिया ए, ए सभी, ए सभी भी है तो ए अंदर बी के बन जाएगा, कुछ का ऐसा बनता है, अलग अलग आपका ऐसा बनता है, क्लियर है जी, देखिएगा कैसे होगा। कथन क्या कहे, कुछ नींबू अमरूद है, कुछ नींबू, नींबू बनाएंगे, कुछ नींबू अमरूद है, ये अमरूद हुए, फिर इसने क्या कहा, कुछ नींबू अमरूद है, सभी अमरूद नाशपत्ति है, ये सभी अमरूद जो होंगे नाशपत्ति होगी, फिर इसने क्या कहा, सभी अमरूद नाशपत्ति, कुछ जामुन नाशपत्ति है, कुछ जामुन नाशपत्ति होगी, जामुन होगी, चलो कुछ नाशपत्ति नींबू है, निष्कर्ष निकल रहा है कुछ नाशपत्ती नींबू है, हाँ जी जो अमरूद वाली है वो तो होगी, ऑप्शन कथन निष्कर्ष स्पष्ट आपका ठीक है, कुछ जामुन नींबू है, कुछ जामुन, जामुन अलग है नींबू अलग है गलत है, कुछ जामुन अमरूद है, जामुन आपका अलग है अमरूद अलग है, ये भी गलत है, केवल सेकंड, केवल निष्कर्ष स्पष्ट निकलेगा बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, ये मैं आपका करा चुका था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो ऐसा है ना, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, यदि आप चाहते हैं कि इसे देखते देखते सोल्व करें, बस ये तीन कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं जो मैं आपको बताकर चला हूँ, यदि तीनों आपने अच्छे से माइंड में सेट कर लिए, कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। चलो क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 24, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उस विकल्प का चयन करें जोड़े, चलो ये इसने क्या कहा है बच्चों, इसने बोला है माइनोलॉजी किसका अध्ययन होता है, ठीक है जी, और फिर मिनरोलॉजी होता है, मैन का क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ आंसर कैसे लगाते हैं इसका, जिस प्रकार मिनरल्स का आपका मिनरलॉजी के अंतर्गत आता है, तो मैन का किसके अंतर्गत आएगा बच्चों, ये आपका आएगा ऑर्थोपोरोलॉजी के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो, अध्ययन की शाखा है इनडायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ा लंबी क्लास होगी बच्चों क्योंकि समझाने में समय लग रहा है, क्लियर है जी, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहे हैं देखिएगा, RPF वाले जो रेलवे के RPF की रीजनिंग की थोड़ी टफ है, लोको पायलट टेक्नीशियन की जो प्रीवियस ईयर हुए थे बच्चों वो आपके थोड़ा आसान पेपर हुए थे, क्लियर है, क्योंकि मैं तो दोनों सोल्व करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, क्वेश्चन 25 सोल्व कैसे करेंगे, इस प्रश्न में दिए गए कथन में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दर्शाया गया है, इस कथन का T greater than R, R greater than A equal I, यह है तो ये आपको कथन दे दिए, आपके निष्कर्ष दे दिए, चलो अब डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में इसने क्या कहा है बच्चों, बराबर भी दे रहा है, बराबर भी दे रहा है, इसने निष्कर्ष दिया, ये कंडीशन देने का, टी जो है बड़ा है एन से, टी जो बड़ा है एन से, ये आपको कह रहा है टी बड़ा है एन से, चलो देखते हैं, टी बड़ा है एन से बच्चों, टी ए आई से बड़ा था, ए ये बराबर थी, जो टी है एन से,
बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। देखो ये बड़ा, ये जो है टी छोटा है आर से, आर छोटा है ए से, ए बराबर है आई से, आई छोटा है एन से, तो जब आई एन से छोटा है तो ये तो छोटा होगा ही पहले, ठीक है। एन ग्रेटर देन एस, एन और एस, ये जब जब चित्र जब डायग्राम ऐसे हो ना, जब चिन्ह ऐसे हो तो आपका सही जाता है, जब ऐसे हो जाते हैं तब गलत हो जाता है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला सही, केवल निष्कर्ष एक ही निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, पेज, इसने पेज का कोड दिया है बच्चों, कुछ पेज पेज करके लिखा हुआ है, इसमें इसका कोड दिया है इसने 16175। उसी प्रकार फिर आपसे पूछा गया है इसका कोड, व्यू का कोड क्या हो, लॉजिक क्या लगा है, लॉजिक पकड़ना है आपको, पेज को उसने क्या लिखा है, फिर आपका पी कितने पर होता है, डायरेक्ट डिजिट देखो, पी 16 पर, ए 1 पर, जी 7 पर, ई 5 पर, वी कितने पर होता है, वी 22 पर होता है, 22 वाला एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी तो देखो फाइंड आउट कर सकते हो, उस समय क्यों लगाना, समय खराब नहीं करना है आपको, आपको डायरेक्ट आंसर लगाते हुए साथ के साथ चलना है, जिससे कि आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर सकें और आपका एक भी क्वेश्चन गलत न हो, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, एम बराबर सी बड़ा है या बराबर है ए के, ए बड़ा है टी से, एस बड़ा है एल से, एल छोटा है या बराबर है यू के, और यू बराबर है एम, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, पहली इक्वेशन दे रखी इसने, ये सेकंड दे रखी, चलो देखते हैं क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। यदि मैं बात करूँ पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, एम बराबर हो रहा सी के और सी बराबर है यू के, तो आपका यहाँ से यू ग्रेटर, ये माइनस वन हो जाएगा, ये ए के आ जाएगा और यू बड़ा हो जाएगा टी से, तो फिर बच्चों दूसरी कंडीशन में क्या होगा, एस ग्रेटर छोटा है, एस बड़ा है एल से, एल बराबर है या छोटा है यू से, तो इसके अकॉर्डिंग आपके एक नंबर सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों ठीक हो जाएंगे, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड आपके दोनों ठीक होंगे, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, देखिएगा 28 क्वेश्चन नंबर कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ब्रोदर बॉर्डर, ब्रोदर नहीं कौन सा था, बॉर्डर का कोड ये दिया है, ठीक है जी। चलो अब इसमें भी आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कौन सा किस नंबर पर आता है, मैं डायरेक्ट देखो सोल्व करना सिखाऊंगा आपको, बी बी से जी बनाया, देखते हैं बी, बी दो पर होते हैं, जी कितने पर होते हैं, 7 पर, प्लस 5 ओ, ओ होता है 15 पर, टी होते हैं 20 पर, प्लस 5, प्लस 5 चल रहे हैं, सी होता है 3 पर, 3 में 5 जोड़ देना एच हो जाएगा, 8 पर एच होगा, ओ होता है 20 पर, 20 में 5 जोड़ दो टी, एच टी सा आंसर बनेगा आपका। लास्ट वाली डिजिट देखूँ, एल, एल में एल होता है 12 पर, 12 में 5 जोड़ना 17, 17 पर क्यों होगा, स्टार्टिंग में एच टी लास्ट में क्यों, इसमें क्यों नहीं है, इसमें क्यों नहीं है, एच टी क्यों, दो बचे पूरा चेक करना पड़ेगा। जे, जे होता है आपका लास्ट में क्या है बच्चों, ई, ई होता है 5 पर, 5 5 10, 10 पर क्या होता है आपका जे, जे क्यों लास्ट में होना चाहिए, ये भी कट गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऐसे आपको काटना सीखना है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है बच्चों, निम्न पांच में से एक निश्चित तरीके से एक समान है इसलिए, और इसलिए एक समूह बनाते हैं, तो आपको क्या करना है, इनमें से जो आपका गलत है या अलग है वो आपको इसमें देख के बताना है, थोड़ा लेंथी पेपर दिया हुआ है बच्चों आरपीएफ का, इसलिए आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यदि आप चाहते हो अच्छा स्कोर करना, ठीक है जी। देखते हैं बच्चों इसमें क्या होगा, इनमें बच्चों चार ऑप्शन दिए हुए हैं, दिए गए शब्दों में ना बच्चों स्टॉप, फीस, कैच, एंड, ये सभी सामान्य समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, लेकिन आपका इमर्जी जो शब्द है ये अलग से है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये आज की क्लास हमारे यहाँ पर समाप्त होती है, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।